जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल ठीक से रख रहे होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो समय चल रहा है हमारे लिए शायद यही इंडिकेट कर रहा है कि हमको घर के अंदर रहकर अपने आप से कनेक्ट करना चाहिए, जितना ज़रूरत हो उतना ही बाहर निकलना चाहिए। आई नो इट्स टफ टाइम, पर जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर चीज़ का एक नेगेटिव पहलू होता है और एक पॉजिटिव होता है, तो क्यों ना हम इस समय का सदुपयोग करें और पॉजिटिव नोट पे हम इस चीज़ को सोचें कि हमने इस पीरियड से क्या क्या सीखा है। मैंने बहुत कुछ सीखा है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है इस पीरियड में। हो सकता है हम लोग अपने आप से कनेक्ट करना भूल गए थे, हो सकता है हम लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट थे लोगों के ऊपर। आप भी इस बात से ज़रूर अग्री करते होंगे मेरी इस बात से कि यस, हमने बहुत कुछ सीखा है इस पीरियड से। हर चीज़ का, जैसे कि मैंने बोला, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव पहलू होता है, तो बी पॉजिटिव। उस पॉजिटिव पहलू के बारे में सोचिए, अपने आप से ज़्यादा ना कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है अभी बहुत कुछ लेसन्स हैं जो लर्न करने बाकी हैं हमें। टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्फ, हमें अपने आप का बेस्ट वर्जन बनना है, क्रिएट करना है, और वो हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने आप से कनेक्ट करेंगे, कोडिपेंडेंट होके नहीं, अपने आप से, अपने आप पर काम करके। और वो अपने आप पे काम हम तब करते हैं जब हम अपने आप पे फोकस करना शुरू करते हैं। यस, ऑफ कोर्स हमें दूसरों का भी ख्याल रखना है, बट हमारे अंदर, जिसे मैं कहती हूँ कि मेडिटेट कीजिए, सोचिए कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, कोडिपेंडेंट यानी कि दूसरों के ऊपर हर चीज़ के लिए निर्भर होना, शायद ये हमें बहुत कुछ इस पीरियड ने सिखाया है। आज हम एक टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, और कैप्शन देख के आप समझ के गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं चक्रास पे। वैसे तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चक्रास होते हैं, लेकिन मेनली 7 चक्रास, रूट चक्र, सेक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र एंड क्राउन चक्र। ये 7 चक्रास होते हैं और सबके अलग अलग कलर्स होते हैं। अब आप कहेंगे कि चक्रास कैसे, चक्रास क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं? इट्स लाइक एनर्जी सेंटर्स, राइट? आप एक टावर लगाते हैं, वो सिग्नल कैच करता है, राइट? तभी तो आप लोग ये जो भी यूज़ करते हैं और फोन्स यूज़ करते हैं, जो भी सब कुछ, तो ये सिग्नल सेम ऐसे ही काम करते हैं हमारे चक्र। दीज आर एनर्जी सेंटर्स इन अवर बॉडी। अगर आप मान लीजिए कोई चीज़ है और वो बहुत सालों से उसके ऊपर कोई धूल या मिट्टी जमी हुई है, तो वो कैसे काम करेगी? आप उसे साफ करते हैं तभी वो काम करती है ना। सिमिलरली हमारे चक्रास होते हैं, हम अपने आप से कनेक्ट नहीं करते, हमें नहीं पता होता, बिकॉज हमें कभी फुर्सत ही नहीं मिलती कि हम सोचें कि क्या हमारे बॉडी में बैलेंस्ड है क्या इम्बैलेंस्ड है। और यही इम्बैलेंसेस, यही ब्लॉकेजेस हमारी लाइफ में भी ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं, बिकॉज ये जो चक्रास होते हैं ये हमारी सोशल, हमारी मेंटल और हमारी जो हमारे लाइक रिलेशनशिप्स या जो भी फाइनेंशियल इश्यूज, ये सब से रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट चक्र ले लीजिए, ये हमारे रिलेशनशिप्स, ये हमारे लव मैटर्स सबके साथ डील करता है। सोलर प्लेक्सस, इट्स ऑल अबाउट आवर सोशल कनेक्शंस और हमारा जो स्टेटस है और इन सब चीज़ों के साथ कनेक्ट करता है। ऐसे ही 7 चक्रास हैं, इनके ऊपर हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में, पर आज हम बात कर रहे हैं इन चक्रास के बारे में, इनके कलर्स के बारे में। रूट चक्र, रेड कलर। देन वी हैव सेक्रल चक्र, ऑरेंज इन कलर, ब्राइट ऑरेंज, ब्यूटिफुल कलर। सोलर प्लेक्सस चक्र, येलो कलर। देन वी हैव हार्ट चक्र, ग्रीन कलर। देन वी हैव थ्रोट चक्र, ब्लू, स्काई ब्लू कलर। देन वी हैव दिस थर्ड आई चक्र, ब्लू, लाइक अ रॉयल ब्लू कलर। एंड देन वी हैव
द क्राउन चक्रा पर्पल कलर. सो ये सारे चक्रास इंडिकेट करते हैं हमारी लाइफ में जो कलर्स हैं. आपने कभी देखा होगा, आपने कभी नोटिस किया है रेनबो देखते हैं, कभी नोटिस करते हैं, सच ऑस्पिशियस, कितना इट्स लाइक अ ट्रीट टू वॉच रेनबो. कभी भी आसमान में आप देखेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा देख के. रेनबो अधिकतर कब निकलता है? रेनबो यानी कि इंद्रधनुष, सात रंग कब निकलते हैं? वो तभी निकलता है जब बादल छट जाते हैं, जब व्हेन द स्टॉर्म इज़ ओवर. स्टॉर्म का मतलब क्या होता है कि तूफान जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद एक ब्यूटीफुल स्काई होता है, उसमें वो इंद्रधनुष बाहर चमक के आता है. राइट, मान लीजिए ये मेरा एक, आप देख सकते हैं मेरे दुपट्टे में भी यही कलर्स है, लाइक सेवन कलर्स इंद्रधनुष के. राइट, अगर अब एक दुपट्टा है, हम इसमें कलर्स हम भरवाते हैं, वो कैसे होता है कि वो पहले वाइट होता है, उसके ऊपर तभी तो कलर्स आएंगे ना, अगर वो साफ़ होगा. अगर मैं आपको कोई ब्लैक कलर का कोई कपड़ा दे दूँ और आपको बोलूँ कि आप इस पर रंग कर दीजिए, तो क्या वो रंग होंगे? कभी नहीं. सो सिमिलरली ऐसे ही हमारे चक्रास काम करते हैं. हमें नहीं पता होता कि हमारे चक्रास में कहाँ कहाँ ब्लॉकेजेस हैं. जैसे जैसे बादल छटते जाते हैं और जो चक्रास हैं दे स्टार्ट अपने कलर में शाइन. इट्स लाइक एक व्हील है, एक नहीं सेवन लाइक व्हील्स हैं, व्हील्स, और वो शाइन करते हैं, वो ब्राइटली वो मूव करते हैं, स्पिन करते हैं, और वो तभी स्पिन करते हैं, तभी क्लियरली वो उनके रंग उभर के आते हैं जब बादल छट जाते हैं, जब वो ब्लॉकेजेस हट जाते हैं, जब रिमूव हो जाते हैं. तो उनके ऊपर हमें काम करना पड़ता है धीरे धीरे, एंड ये हमको स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हैं. हमारी लाइफ में जो भी जहाँ भी अड़चनें आ रही होती हैं वो हमें हेल्प करते हैं टू क्लियर, टू सॉर्ट आउट, हमें एक क्लियर पाथ दिखाते हैं हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आगे मूव करने के लिए. सिर से लेके पांव तक हमें नहीं पता होता, बिकॉज हमने हम लोग अपनी लाइफ ऐसे ही जी रहे होते हैं, हमें नहीं पता कि कौन सा चक्रा कहाँ क्या क्या किससे कनेक्ट करता है, क्या होता है. बट जब धीरे धीरे हो सकता है कि देखिए चक्रास पे काम करना, इट्स नॉट कि आपको मैं ये गाइड नहीं करूँगी कि आप अपने आप कुछ भी शुरू कर दें. हमेशा किसी गुरु या किसी गाइड के साथ ही मिलकर आप इनके ऊपर काम कीजिए, सो दैट आपको पूरी नॉलेज हो. आपको नहीं पता कि आपके किस चक्रा में कब से कौन से ब्लॉकेजेस हैं. सो ये एक प्रैक्टिशनर का या एक गुरु का ही काम है जो आपको गाइड करेंगे आगे कि आपने किस तरीके से अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है, सो दैट वो कलर्स उभर के आए, शाइन करें आप भी जैसे आपके चक्रास के कलर्स होते हैं. जब ये चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं, सो मान लीजिए अगर किसी का थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है, तो ही और शी विल बी लाइक उनके माइंड में फॉगीनेस रहेगी और क्लियरली सोच नहीं पाएंगे, इल डिसीजन मेकिंग, ये चीज़ें बहुत बहुत चीज़ें होती हैं. हर जैसा कि मैंने आपको बोला कि हर चक्रा रिप्रेजेंट करता है अलग अलग एस्पेक्ट आपके लाइफ के. सो अगर आपको अपने आप से कनेक्ट करना है, अगर आपको अपनी लाइफ के ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है, सो आपको हीलिंग अपने ब्लॉकेजेस पे, अपने चक्रास पे काम करना चाहिए. और जैसा कि मैं आपको भी बोल रही थी कि ये किसी प्रैक्टिशनर या किसी गुरु की गाइडेंस के अंडर ही आपको करना चाहिए जो आपको सही तरीके से गाइड कर सके कि ये किस तरीके से काम करता है. सो दैट्स ऑल वी हैव इन टुडेज वीडियो. आगे चल के हम और बातें करेंगे और चक्रास के ऊपर और इलैबोरेट करके हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि ये कैसे कैसे काम करते हैं और क्या होता है क्या नहीं होता, और एक एक वीडियो में हम डिस्कस करते जाएंगे. और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, बिकॉज आई जस्ट लव रीडिंग योर कमेंट्स. आपका इतना प्यार मिलता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है आपके बहुत अच्छे कमेंट्स सुन के. सो थैंक यू सो मच.
और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग. टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, और जितना ज़रूरत हो उतना ही बाहर निकलिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच.